हेलो फ्रेंड्स, आपका मल्टी क्रिएशन में फिर से स्वागत है। ये देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लाई हूँ जो सिलाइयों पे बनाना है, पर डिज़ाइन क्रोशिए जैसा बनता है। इसे लेडीज़ हाफ स्वेटर में बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है, सेकेंड फंदे को सीधा बनाना है, वो भी पीछे से। फिर इसी फंदे में से हमने दूसरा फंदा लेना है, उसे भी सीधा बनाना है पीछे से दो। फिर इसी में से हमने तीसरा फंदा निकालना है पीछे से, वो भी सीधा। और इसी में से हमने चौथा फंदा निकालना, मतलब चार चार फंदे की ये बुनती है। मैंने इसमें 22 फंदे डाले हैं, लास्ट में एक फर्स्ट में, एक लास्ट में एक छोड़ा है एक्स्ट्रा, और बीच में चार चार फंदे की बुनती है ये। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है दोस्तों, इसे ट्राई ज़रूर करिए। ये देखिए, ये फोर्थ फंदा लेने में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर डबल बार लपेटा ताकि एक फंदा बाहर निकल सके। ये हो गए चार, ये फर्स्ट हमने जो लिया है, इसके बाद ये वाले चार। और ये फिर से वैसे ही रिपीट होएगा, ये एक ही सिलाई का डिज़ाइन है ये। ये देखिए, फर्स्ट फंदा पीछे से सीधा लिया, और इसी से हमने बीच में से सेकंड फंदा बुन लेना सीधा, और बिना धागा फंदा छोड़े इसी में से हमने तीसरा फंदा ले लेना है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसे थोड़ा ध्यान से करिए। और इसी में से हमने ये चौथा फंदा ले लेना। आपसे जैसे होता है कर लेना, लेकिन मुझसे मुश्किल से होता है चौथा फंदा, इसलिए मैं इसे दो बार लपेटती हूँ ताकि एक धागा बाहर आ जाता है। ये देखिए, ये सारा डिज़ाइन ऐसे ही रिपीट होएगा, यहाँ जाली बनती जाएगी। चार फंदे बनाने हैं, चार में से एक एक करके निकालने हैं, और फिर लास्ट में जाके चारों फंदे छोड़ देने हैं। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, इसे बेबी स्वेटर भी बना सकते हैं, और लेडीज़ जो हाफ स्वेटर होती है उस पर ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। मतलब इसका डिज़ाइन देखने में ऐसा लगता है जैसे हमने क्रोशिए से बनाया है, लेकिन है ये हमने सिलाइयों पे बनाया है। और एक और रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से अगर वीडियो बनाते कोई मिस्टेक या कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसे अपनी बहन मान के माफ़ कर देना, या कुछ सजेशन देना मुझे कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे क्लियर फ़ोटो लाने हैं। अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप लोगों की हेल्प मिलेगी तो शायद इससे बेटर कर सकूँगी। ये देखिए, ये चार फंदे में छोड़ने, ऐसे बनता जाएगा ये। फिर से लेना पीछे से एक सीधा, फिर इसी के अंदर से सेकंड को भी ले लेना, ये दो हो गए। फिर इसी में से थर्ड को ले लेना, और इसी में से हमने फोर्थ को ले लेना लास्ट में। फिर हमने ये जो फोर्थ है उसे लेना है, और फिर जो हमारी रॉन्ग साइड आएगी वो सारी हमने उल्टा ही बना लेना उसे। ये देखिए, हमने इतना बना लिया है, रॉन्ग साइड भी बना ली थी, और ये हमारा, ये देखो पीछे रॉन्ग साइड, और यहाँ पे ऐसा आएगा। ये वैसे ही रिपीट किया जैसे मैंने फर्स्ट रो बताई है। अब हमने ध्यान रखना है, जो जाली है इसके ऊपर वाले चार लेने, दो इधर के और दो इधर के। फिर हमने डिजाइन शुरू करना है, इसमें आ रहा है हमारा, ये तीन सीधे आ जाएंगे। पहले फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट लिया था ना सीधा, उसके बाद चार हमने बनाए थे, लेकिन हमने जाली का ध्यान रखना है ताकि जाली के ऊपर चार वो फंदों का डिज़ाइन बने, इसलिए हमने पहले तीन फंदे सीधे बना लिए। और इसको फिर से वैसे ही बनाना है।
वही पहले एक में से लेना है, फिर सेकंड में से लेना है, थर्ड में से, फिर फोर्थ में से, जब चार हो जाएंगे फिर इसको चारों को हमने सिलाई से निकालना है। अभी हम देख लिए इसको नहीं छोड़ रहे, और उसी में से ही हमने अभी फोर्थ फंदा ले लेंगे। ये हो गए चार, अब ये वाले चार हमने छोड़ देने। ये देखिए जाली के ऊपर बना है, ये देखिए, और ऐसे ये नेक्स्ट है, देखो जाली के ऊपर दो इधर और दो इधर। अब ये आपने ध्यान रखना है इसका, बस सारा डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा, एक सिलाई का ही डिज़ाइन है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जाली के ऊपर वाले जो चार है उसको बनाना है हमने। और जो स्टार्टिंग में फंदा लेते हैं, एक एक सिलाई में एक फंदा आएगा सीधा, फिर चार फंदों की बुनती आएगी, और उसके बाद जो हम सेकंड थर्ड रो बनाएंगे जो भी है उसमें तीन फंदे सीधे आएंगे, उसके बाद डिज़ाइन शुरू होगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करो। ये देखिए ऐसे बहुत ही सुंदर लगता है, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे हमने क्रोशिया से बनाया, लेकिन ये सिलाइयों पे बना हुआ डिज़ाइन है, ऐसा ही क्रोशिया पे भी बनता है। ये देखिए सेकंड ले लिया, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। मेरी वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना। ये मैं फिर से बताती हूँ, मैं दो बारी धागा इसलिए लपेट रही हूँ फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ धागा निकलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसको मैं दो बार लपेट रही हूँ ताकि दो में से एक धागा तो बाहर निकलेगा। ये देखिए दो बार कर दिया, फिर ये हमने ये तीसरा, और पीछे से लेना है इसे हमने, मतलब कि तीन के तीन फंदे इकट्ठे, और इसी में से ये चौथा फंदा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इकट्ठे बीच में से, मतलब उसकी सिलाई घुसानी है। और ये देखो चार फंदे, और उसे हमने छोड़ दिया। और ये लास्ट फंदे जो फर्स्ट में हमने तीन सीधे बनाए थे, ऐसे ही लास्ट में तीन फंदे सीधे बच गए हैं, उसे भी हमने तीन सीधा बना लेना। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिज़ाइन शुरू करेंगे उसमें एक फंदा सीधा आएगा और चार फंदों का डिज़ाइन शुरू होएगा। और ये जो रॉन्ग साइड है हमारी सारी उल्टा ही बना लेंगे, बस जाली का ध्यान रखना आपने, उसके अपोजिट में आएगी ये रॉन्ग सिलाई हमारी, सारे हमने उल्टा बना लेने से। ये देखिए उल्टी साइड से हमारा ऐसे लग रहा है डिजाइन, ये और ये हमारी सीधी सिलाई, देखिए कितना सुंदर लगता है। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही सुंदर और आसान है। ये देखिए ये ध्यान रखना, बस चार चार फंदे, मतलब फोर के मल्टीपल में हमने फंदे डालने, और लास्ट में और फर्स्ट में एक एक एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, ये इतना मैंने बनाया वैसे, ये देखिए ऐसे तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर ये थोड़ा कैमरे से थोड़ा फोटो क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और एंड तक वॉच करना। ओके थैंक्स।